want to. I'm dying to work with all of them. आप मुझसे पूछिए मेरी अगली फिल्म क्या है, मेरा नया प्रोजेक्ट क्या है, उसका डायरेक्टर कौन है, सत्ते पे सत्ता वो किसके लिए कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा मेमो के बारे में बताइए, उनकी परफॉर्मेंस में कैसे एक्टर है वो? मेमो का अभी तो ऑलरेडी कल दिल्ली में जो है प्रीमियर हो चुका है और ऑलरेडी सारे पेपर उसके बारे में लिख चुके हैं कि नो डाउट की इज अ वंडरफुल मीन्स इज अ ट्रीट एज अ डांसर। ही इज डांसिंग 6 inches अबव द अर्थ। ही इज अ मीन्स आई थिंक इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेट द बेस्ट डांसर ऑफ द टू नो डाउट अबाउट। तो मेरे ख्याल में मेमो के बारे में ज़्यादा बताने आप लोगों को खुद ही मालूम है। अच्छा जिमी नाम जो है वो मिथुन दा के साथ हमेशा एसोसिएट होता है, तो क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मेमो की फिल्म का नाम जिमी? नहीं, ये जिमी तो मिथुन दा की फिल्म आई थी डिस्को डांसर जिसमें उनका नाम जिमी था, लेकिन ये नाम दिया हमको सुहेल खान साहब ने। सुहेल खान साहब सलमान साहब के जो भाई हैं, उन्होंने मिथुन दा से बोला कि आप इस फिल्म का नाम जिमी रखिए क्योंकि एक ब्रांड नेम है। क्योंकि वो लोग जब लकी की शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे रशिया में, उस टाइम पे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो मिमो की फिल्म करने जा रहे हैं उसमें मिमो का नाम रखिए, आप फिल्म का नाम रखिए जिमी, क्योंकि वहाँ पे दादा जो है मिथुन दा वो जिमी के नाम से बहुत पॉपुलर, उनको देखते ही वहाँ के जो यूथ है वो डांस शुरू कर देते हैं जिमी जिमी आ जा। तो ये वहाँ से हमको सुहेल खान साहब, एंड फॉर देट वी आर रियली ग्रेटफुल टू मिस्टर सुहेल खान। कौन ज़्यादा अच्छा डांसर है, मिमो या मिथुन? नहीं, मिथुन दा ने तो खुद कहा है कि डांस में मिमो को मैं बीट नहीं कर सकता और एक्टिंग में वो मुझे नहीं बीट कर सकता। इधर थ्री नेशनल अवार्ड विनर, तो मिथुन दा सेट के वो एक्टिंग में मुझे बीट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं डांस में मिमो को बीट नहीं कर सकता। दिस इज हिज वर्ड्स। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।